हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो हम पढ़ रहे थे ल्यूब्रिकेंट चैप्टर। ल्यूब्रिकेंट चैप्टर का मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा कवर हो चुका है और बचा हुआ जितना भी कंटेंट है वो आज इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, हमने शुरू कर दिया था टॉपिक की प्रॉपर्टीज ऑफ अ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। एक अच्छे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स, जो मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक शेयर कर दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्लैश एंड फायर पॉइंट। पहले मैं आपको इसको समझाती हूँ ध्यान से कि क्या होता है फ्लैश पॉइंट, क्या होता है फायर पॉइंट, और एक अच्छे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ये भी आप खुद डिसाइड करके मुझे बताएंगे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं क्या होता है फ्लैश पॉइंट और क्या होता है फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट किसी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का वो हमारे पास में लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर वेपोराइज होने स्टार्ट कर देता है, और जो उसकी वेपर होती है वो हमें क्या देती है, फ्लैश देती है। उस वेपर के अंदर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम कोई फ्लेम लेके जाए तो उस फ्लेम से हमें क्या मिलता है, एक फ्लैश मिलता है, और एक मोमेंट के लिए वो क्या होता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इग्नाइट करता है, इसे कहते हैं फ्लैश पॉइंट। और फायर पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट के बाद जब हम टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का, वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे इतनी सफिशियंट वेपर बन जाती है कि अगर आप फ्लेम को लेके जाएंगे तो वहां पे जो हमारे पास में फ्लैश है वो कम से कम 5 सेकंड के लिए रहेगा, यानी इस टेम्परेचर पर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल फायर को कैच कर लेता है, दैट इज फायर पॉइंट। इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इट गिव्स ऑफ वेपर दैट विल इग्नाइट फॉर अ मोमेंट, यानी कि हम अगर आप किसी जलती हुई मैचस्टिक को या फिर फ्लेम को लेके जाएंगे उसमें इग्निशन होगा एक मोमेंट के लिए, उसे कहते हैं फ्लैश पॉइंट। और फायर पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट वो लोएस्ट टेम्परेचर है एट विच द वेपर ऑफ द ऑयल बर्न एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड, इट मीन्स द ऑयल्स वेपर कैन कैच द फायर एज वेल एट फायर पॉइंट। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। अब बात ये होती है कि हमें ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को यूज में लेने से पहले उसका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट पता क्यों होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल लिया किसी मशीन के अंदर एज ए ल्यूब्रिकेंट, ओके, आपने उसको वहां अप्लाई किया और उस ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लैश पॉइंट या मैं कह सकती हूँ फायर पॉइंट 100 डिग्री था, यानी हमें पता चल चुका था कि 100 डिग्री पे इसकी वेपर फायर को कैच कर लेती है, यानी आग लग सकती है 100 डिग्री टेम्परेचर पर। अब मान लीजिए मशीन, जिस मशीन में आपने उस ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को यूज में लिया उस मशीन का वर्किंग जब उसने शुरू करी तो टेम्परेचर पहुंच गया 500 डिग्री सेल्सियस, कि उस मशीन का वर्किंग टेम्परेचर था 500 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे आप ही जवाब दीजिए क्या वो ल्यूब्रिकेंट जो है उसके अंदर आग लगेगी या नहीं, इट कैन कैच फायर और नॉट। ऑब्वियसली क्योंकि उसका फायर पॉइंट तो 100 पे ही आ रहा था और हम उसे ऐसी मशीन में यूज में ले रहे हैं, एक ऐसी मशीन में एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज में ले रहे हैं जिसका टेम्परेचर, जिसका वर्किंग टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है, तो वो ल्यूब्रिकेंट जो है वो आग को पकड़ सकता है। तो इसलिए किसी भी ल्यूब्रिकेंट को एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज में लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका फ्लैश पॉइंट कितना और फायर पॉइंट कितना है, तो इसलिए हम डिटरमाइन करते हैं फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। और एक अच्छे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल के लिए उसका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट जो है वो 100% बात है कि ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि जब वो ज्यादा होगा तभी हम उसको किसी भी वर्किंग टेम्परेचर के अंदर यूज में ले सकते हैं। तो ज्यादा होना चाहिए फ्लैश एंड फायर पॉइंट किसी अच्छे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का, और हमें पता होना चाहिए किसी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को यूज में लेने से पहले कि उसका फ्लैश पॉइंट कितना है फायर पॉइंट कितना है। तो अब फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट को पता लगाने के लिए इंडस्ट्रीज के अंदर, लैब्स के अंदर हमें पता लगाना है कि किसी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लैश पॉइंट कितना है फायर पॉइंट कितना है, इसके लिए जो अपेरेटस यूज होता है उसका नाम होता है पेंस्की मार्टिन अपेरेटस। और अब हम इसका कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो सबसे पहले इसके अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास में क्या होता है ऑयल कप। तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें किसकी, पेंस्की मार्टिन अपेरेटस की कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ऑयल कप होता है। इस ऑयल कप के अंदर ऑब्वियसली बात है कि एक पॉइंटर होता है, उस पॉइंटर तक हम क्या फिल कर देते हैं ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जिसका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट हमको डिटरमाइन करना है। तो ये हमारे पास में ऑयल कप और इसमें हमने भर दिया ऑयल। इसके अलावा इस ऑयल कप के अंदर 4 ओपनिंग होती है, इसमें से एक ओपनिंग तो होती है स्टीरर के लिए, ये आपको दिख रहा है ये यहाँ पे होता है स्टीरर। स्टीरर का क्या काम होता है, स्टीरर का काम होता है कंटिन्यूअसली हम ऑयल को स्टिर करते रहे। कंटिन्यूअसली ऑयल को स्टिर करने से क्या फायदा होगा, जो ऑयल है ना वो कांस्टेंट गर्म होगा बिल्कुल, तो ऑयल है उसको हीट जो है कांस्टेंटली मिलती रहेगी और वो बिल्कुल ऊपर नीचे से इक्वली जो होगा हीटअप होता रहेगा। यहाँ होते हैं स्टीरर के पैडल्स, तो इस स्टीरर से स्टिर करके हम ऑयल को कॉन्स्टेंट हीटअप करते रहते हैं।
तो फर्स्ट ओपनिंग के अंदर हो गया स्टीरर, एक और ओपनिंग होती है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है थर्मामीटर, मैंने यहाँ बनाया नहीं है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है थर्मामीटर, तो ये हमारे पास में, तो ये हो गया हमारे पास में थर्मामीटर। तो इस तरीके से थर्मामीटर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे थर्मामीटर भी प्रेजेंट होता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट को नोट करने के लिए। तो दूसरी ओपनिंग होती है थर्मामीटर के लिए। थर्ड जो ओपनिंग होती है वो होती है टू इंट्रोड्यूसिंग द टेस्ट फ्लेम, यानी कोई भी मैचस्टिक जो है उस मैचस्टिक को हम कहाँ लेके जाएंगे, इस ऑयल के पास लेके जाएंगे ये देखने के लिए कि फ्लैश पॉइंट कितना है ऑयल का और फायर पॉइंट कितना है। तो थर्ड ओपनिंग हो गई फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टेस्ट फ्लेम। और फोर्थ ओपनिंग होती है इसके अंदर एयर सप्लाई के लिए, तो फोर्थ ओपनिंग होती है एयर सप्लाई के लिए। तो इस तरीके से सबसे पहले ऑयल कप के अंदर फोर ओपनिंग, फर्स्ट फॉर स्टीरर, सेकंड थर्मामीटर के लिए, थर्ड ओपनिंग होती है हमारे पास में टू इंट्रोड्यूसिंग द टेस्ट फ्लेम, और फोर्थ ओपनिंग होती है इसके अंदर किसके लिए, फोर्थ ओपनिंग होती है एयर सप्लाई के लिए। इसके बाद सेकंड होता है हमारे पास में एयर बाथ। तो यहाँ सेकंड हमारे पास में क्या हो जाता है, एयर बाथ। एयर बाथ का काम क्या होता है, कुछ भी नहीं, हम इलेक्ट्रिसिटी वाला जब प्लग को ऑन करते हैं तो ये जो एयर बाथ होता है इसके थ्रू हमारा क्या होता है, ऑयल जो ऑयल कप के अंदर प्रेजेंट है वो हीट अप होता है। तो एयर बाथ का काम सिर्फ इतना सा है ऑयल तक हीट को ट्रांसफर करना, और इसकी वजह से ऑयल क्या होता है, हीट अप होता है। तो सेकंड हो गया एयर बाथ। थर्ड अगर अब हम बात करते हैं तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है शटर। थर्ड हमारे पास में हो जाता है शटर। शटर का क्या काम होता है, ये जो शटर होता है इस शटर को मूव करके, और ये जो हमारे पास में ओपनिंग होती है जहां पे हम फ्लेम को इंट्रोड्यूस कराते हैं इसको ओपन और क्लोज किया जाता है। तो शटर का काम बस इतना सा है कि हम इस शटर को मूव करके, बाय मूविंग द शटर, ये जो ओपनिंग होती है इसको ओपन और क्लोज किया जाता है। तो ये काम हो गया हमारे पास में शटर का। तो इस तरीके से पेंस की मार्टिन ऑपरेटर्स में जो कंस्ट्रक्शन होता है इसके अंदर मोटे मोटे तौर पे ऑयल कप, एयर बाथ, शटर, इसके ये हमारे पास में होते हैं। इसके अलावा एक पायलट बर्नर भी होता है जिसका कोई विशेष काम नहीं होता, बस वो फ्लेम जो होती है उसको नॉर्मल लाइट अप करने के काम में आता है। तो ये हो गया हमारे पास में कंस्ट्रक्शन ऑफ पेंस की मार्टिन ऑपरेटर। अब हम शुरू करते हैं वर्किंग ऑफ पेंस की मार्टिन ऑपरेटर। देखिए वर्किंग के अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो ये ऑयल कप है इस ऑयल कप के अंदर एक पॉइंटर होता है, या मैं कह सकती हूँ एक मार्क होता है, उस मार्क तक हमने ऑयल को फिल कर दिया, ठीक है, एकदम सिंपल। इसके बाद इस ऑयल कप को हमने पुट कर दिया ऑपरेटर्स के अंदर, एयर बाथ है उसके अंदर, और इसके बाद में हमने इलेक्ट्रिसिटी के स्विच को कर दिया ऑन। इलेक्ट्रिसिटी के स्विच को ऑन करेंगे तो टेम्परेचर रेज होने लगेगा, हमें पता है ऑयल का टेम्परेचर जो है बढ़ने लगेगा, ऑयल का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा साथ के साथ हम स्टीरर के थ्रू स्टीर करके और ये जो हमारा ऑयल है इसको कॉन्स्टेंट हीटअप करते रहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रेज होने पर इस शटर को क्या करेंगे, मूव करेंगे। शटर को मूव करेंगे तो ये जो ओपनिंग है वो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे हम टेस्ट फ्लेम जलती हुई मैचस्टिक को मैं यहाँ लेके जाऊंगी, ठीक है। कंटिन्यूअसली टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने पे शटर को मूव करके हमें इस ओपनिंग को खोलना है और मैच और टेस्ट फ्लेम को यहाँ लेके जाना है। तो आप देखेंगे एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब यहाँ पे अचानक से आपको एक फ्लैश दिखाई देगा, एक हमारे पास में लाइट विद साउंड आपको दिखाई देगी, हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट, और इस फ्लैश पॉइंट को हम नोट कर लेंगे। ये फ्लैश पॉइंट हमें बताता है कि बस इसके बाद अगर आपने टेम्परेचर रेज किया तो ऑयल कैन कैच फायर, ओके। तो सेम वैसा ही होगा, इसके बाद फिर हम इसके बाद भी हम टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाएंगे, स्टीरर के थ्रू स्टीर करते जाएंगे, शटर को ओपन करेंगे, हर 1 डिग्री पे टेस्ट फ्लेम को लेके जाएंगे, और एक टेम्परेचर अचानक ऐसा आएगा फायर दिखाई देगी एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड, इसे ही कहा जाता है फायर पॉइंट। तो इस तरीके से किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट डिटरमाइन किया जाता है बाय पेंस की मार्टिन ऑपरेटर, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज में लेने से पहले, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि अप टू विच टेम्परेचर हम किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल को एज ए लुब्रिकेंट यूज में ले सकते हैं। तो ये था हमारे पास में फ्लैश एंड फायर पॉइंट, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे लुब्रिकेटिंग ऑयल की थर्ड प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्लाउड एंड पोर पॉइंट। देखिए मैं इसको यहां से हटा देती हूं, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी लुब्रिकेटिंग ऑयल की जिसका नाम है क्लाउड एंड पोर पॉइंट। क्लाउड एंड पोर पॉइंट क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। क्लाउड पॉइंट वो पॉइंट होता है जब हमारे पास में किसी ऑयल को ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है, तो कूल करने पे जब वो हमारे पास में थोड़ी सी उसमें क्लाउडी अपीरियंस होती है, थोड़ी हेजी अपीरियंस आने लगती है, तो इसे कहा जाता है ऑयल का क्लाउड पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से पोर पॉइंट क्या होता है,
कोर पॉइंट वो पॉइंट होता है जब हम उसको और फ्रिज करते हैं, और कूल करते हैं, तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब आपका ऑयल जो होता है एकदम सीज हो जाता है, फ्लो करना बंद कर देता है, एकदम बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाता है, उसे कहा जाता है पोर पॉइंट। तो ये होता है क्लाउड एंड पोर पॉइंट ऑफ ए ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। अब बात आती है कि किसी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का क्लाउड एंड पोर पॉइंट हम क्यों डिटरमाइन करते हैं। क्लाउड एंड पोर पॉइंट इसलिए डिटरमाइन किया जाता है, मान लीजिए कोई ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है जिसका क्लाउड पॉइंट है 14 डिग्री सेल्सियस, तो आप मुझे बताइए क्या आप उसे ऐसे रीजन में यूज में ले सकते हैं जहां पे सर्दियों का टेम्परेचर -1, -2 या माइनस, छोड़िए, जहां पे सर्दियों का टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेल्सियस भी रहता हो, आप बिल्कुल एज ए ल्यूब्रिकेंट उसे काम में नहीं ले सकते वहां, क्योंकि वो खुद बिल्कुल फ्रिज हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। और जहां आप उसको एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज में ले रहे हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज में ले रहे हैं, पता चलेगा कि वो खुद फ्रिक्शन क्रिएट करने लग जाएगा। तो इसलिए किसी भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को यूज में लेने से पहले जैसे हमें उसका फ्लैश और फायर पॉइंट पता होना चाहिए, वैसे ही हमें उसका क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि किस मिनिमम टेम्परेचर तक इस ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को हम एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज में ले सकते हैं। एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल है जिसका क्लाउड पॉइंट हमारे पास में आ जाता है 20 डिग्री पे। 20 डिग्री पे आपने देखा होगा सर्दी में वो अचानक क्लाउडी और हेजी अपीरियंस आती है, और 16 डिग्री 18 डिग्री तक आते आते तो वो एकदम सॉलिडिफाई हो जाता है। स्पून आप लेंगे ना, उससे निकालेंगे तो भी आपके पास वो नहीं निकलेगा, खुद फ्रिक्शन क्रिएट करने लग जाएगा। तो आप बताइए क्या कोकोनट ऑयल को सर्दी के अंदर एज ए लुब्रिकेंट हम यूज में ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल का क्लाउड पॉइंट क्या है और पोर पॉइंट क्या है। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज लिया जाता है उसे कहा जाता है क्लाउड एंड पोर पॉइंट ऑपरेटर। ओके, क्लाउड एंड पोर पॉइंट ऑपरेटर्स की अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, उसमें फ्लैट बॉटम ट्यूब होती है, उन फ्लैट बॉटम ट्यूब के अंदर, हर ट्यूब के अंदर थर्मामीटर होता है, उसमें जिस भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का क्लाउड एंड पोर पॉइंट हमें डिटरमाइन करना होता है उसे फिल कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास में एक एयर जैकेट होता है, और उसके बाद में होता है कूलिंग बाथ, और उस कूलिंग बाथ के अंदर भर दिया जाता है आइस प्लस NaCl, और उसके बाद ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की जो हमारे पास में फ्लैट बॉटम ट्यूब थी उन्हें वहां पुट कर दिया जाता है, और थर्मामीटर में टेम्परेचर को नोट किया जाता है। टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन आता है और देखा जाता है बार बार में जो हमारा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है जिस टेम्परेचर पर उसमें हेजी अपीरियंस आती है उसे क्लाउड पॉइंट, और जिसमें वो एकदम सीज हो जाता है, एकदम सॉलिडिफाई हो जाता है, उसे पोर पॉइंट कहा जाता है। तो ये था क्लाउड एंड पोर पॉइंट, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं लास्ट प्रॉपर्टी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की, जिसे कहा जाता है सैन नंबर। सैन नंबर भी हम कह सकते हैं सैन नंबर, और इसकी फुल फॉर्म हो जाती है स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर। अब ये स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर क्या होता है हम इसको समझते हैं। उसके लिए सबसे जरूरी है पहले समझना कि इमल्शन क्या होता है। इमल्शन क्या होता है? देखिए इमल्शन आप लोगों ने पढ़ रखा है। हमारे पास में 3 स्टेट होती है, सोल, जेल और इमल्शन। इमल्शन मतलब होता है हमारे पास में लिक्विड प्लस लिक्विड को कहा जाता है इमल्शन। जी हाँ, मिल्क के अंदर अगर पानी मिला हुआ है तो वो भी इमल्शन बनाता है, ऑयल के अंदर वाटर मिला हुआ है तो वो भी इमल्शन बनाता है, यानी दो लिक्विड जब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? इमल्शन का फॉर्मेशन होता है। तो सेम ऐसा ही है कि आपका ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, इस ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर मान लीजिए कहीं से भी वाटर अगर मिक्स हो जाता है, तो ये किसका फॉर्मेशन कर देता है? इमल्शन का फॉर्मेशन कर देता है। ये यहाँ पे बन जाता है इमल्शन। अब हम बात करते हैं कि ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल में वाटर का मिक्स हो जाना और इमल्शन बनाना सही है या गलत है। तो इसका जवाब है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब ऑयल के अंदर पानी मिक्स हो जाता है तो ये क्या करता है, मशीन किसकी बनी हुई है? आयरन मेटल की। हमने उस पर ल्यूब्रिकेंट लगाया फ्रिक्शन को रोकने के लिए। अगर उस ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल में पानी मिलकर इमल्शन बना रहा है तो इस पानी की वजह से क्या हो सकता है? मशीन का कोरोजन हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा ये जो इमल्शन बनता है ना, ये जो इमल्शन होता है ये डस्ट पार्टिकल को और जो हमारे पास में सैंड पार्टिकल है इन सबको क्या अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से मशीन के वियर और टीयर टूट फूट बढ़ जाती है और मशीन में कोरोजन हो जाता है। तो यानी ये सही नहीं है। तो हमें इस इमल्शन को तोड़ना है, और इमल्शन को तोड़ के ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और वाटर की सेपरेट लेयर में इसको तोड़ देना, इसे कहते हैं डी इमल्सिफिकेशन। तो इमल्शन तो हो गया, दो लिक्विड का मिल जाना और दोनों लिक्विड का सेपरेट आउट हो जाना, इसे कहते हैं डी इमल्सिफिकेशन। ओके, अब क्या होता है, ये डी इमल्सिफिकेशन कैसे किया जाता है? ये डी इमल्सिफिकेशन किया जाता है स्टीम के थ्रू। किसके थ्रू किया जाता है? स्टीम के थ्रू किया जाता है, इसलिए इसका नाम है स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर। मैं आपको भी बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। तो स्टीम के थ्रू क्या किया जाता है? डी इमल्सिफिकेशन।
जब आप क्या करते हैं स्टीम, यानी कि आपके पास में वॉटर, वॉटर एट 100 डिग्री, पानी जब 100 डिग्री पे होता है, उस स्टीम को जब आप वॉटर बाथ के अंदर आपने क्या रख दिया, वॉटर बाथ में आप क्या रख देते हैं, ये जो हमारे पास में वॉटर और ऑयल का क्या बना है, इमर्शन, वॉटर और ऑयल का जो इमर्शन बना है इसको हमने एक वॉटर बाथ में रखा, हमने स्टीम इसको प्रोवाइड की, स्टीम का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये जो इमल्शन था ना वो इमल्शन सेपरेट आउट होने लग जाता है, किसके अंदर, टू डिस्टिंग लेयर के अंदर सेपरेट आउट हो जाता है। ये मान लीजिए आपका हो गया ऑयल और ये आपका हो गया वॉटर, यानी आपको ऑयल और वॉटर की सेपरेट डिस्टिंग लेयर दिखाई देने लग जाती है जब आप स्टीम या मैं कह सकती हूँ वॉटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है सेन नंबर क्या होता है, ये कोई नंबर नहीं होता बल्कि ये होता है टाइम, ये क्या होता है टाइम, यानी कि जब स्टीम प्रोवाइड की जाती है तो इमल्शन का अपनी ऑयल और वॉटर की सेपरेट लेयर में टूटने में कितना टाइम लगा उसे कहा जाता है स्टीम इमल्शन नंबर। तो ये कोई नंबर नहीं है बल्कि ये क्या है हमारे पास में, टाइम टेकन होता है, क्या हो जाता है टाइम टेकन होता है सेपरेट आउट, या मैं कह सकती हूँ टू ब्रेक आउट, किसको तोड़ने में, ऑयल और वाटर की लेयर को सेपरेट होने में, डी इमल्शन होने में कितना टाइम लगा इसे कहा जाता है स्टीम इमल्शन नंबर। तो यानी इसकी यूनिट किसके अंदर होती है, सेकंड्स के अंदर इसकी यूनिट होती है, यानी कितना टाइम लगा एक जो इमल्शन था उस इमल्शन को टूटने में, या मैं कह सकती हूँ ऑयल और वाटर की लेयर को स्टीम प्रोवाइड करने पे अपनी सेपरेट लेयर में टूटने में कितना टाइम लगा उसे कहा जाता है स्टीम इमल्शन नंबर। तो ये होता है हमारे पास में टाइम टेकन। ओके, अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप बताइए कि एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल का स्टीम इमल्शन नंबर ज्यादा होना चाहिए या कम, बिल्कुल आप सोचिए, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल का सेन नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल, अगर हम बात करें एक गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल की, तो गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है इसका स्टीम इमल्शन नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कि समझ गए आप, यानी कि ऑयल और वाटर की लेयर को सेपरेट आउट होने में टाइम टेकन जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए फॉर ए गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये हमारे पास में होती है स्टीम इमल्शन नंबर। तो इस तरीके से हमने चार प्रॉपर्टी लुब्रिकेंट की पढ़ी, सबसे पहले पढ़ी थी विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स, सेकंड हमने पढ़ी थी फ्लैश एंड फायर पॉइंट, थर्ड हमने पढ़ी क्लाउड एंड पोर पॉइंट, एंड लास्ट थी सेन नंबर, स्टीम इमल्शन नंबर, जो कि हमारे पास में टाइम टेकन है, कितना टाइम लगा जो हमारा वाटर और ऑयल का इमल्शन बनता है उसको टूटने में, और एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल का सेन नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you so much.